नेक्स्ट एनजीओ वी हैव इज कॉल्ड कारीगर, कारीगर क्लिनिक. देयर मिशन इज टू डेवलप एंटरप्रेनर्स अमंग कारीगर कम्युनिटीज टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड टू स्ट्रेंथन द कारीगर्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. दे वॉन्ट टू एम्पावर देम टू मेक विलेजेस अ बेटर प्लेस टू वर्क, अर्न एंड लिव. टू शेयर हिज पैशन एंड हिज स्टोरी विथ अस, लेट्स लिसन टू द फाउंडर ऑफ कारीगर क्लिनिक, डॉक्टर निलेश प्रियदर्शी. कारीगर क्लिनिक की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार. हम लोग एक अनोखा क्लिनिक चलाते हैं जहां पर हम कारीगर का बिजनेस से हट ठीक करते हैं और उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं. आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. आप सब लोग ने ऋतु कुमार का नाम सुना ही होगा, पर क्या यह सुंदर वॉल हैंगिंग बनाने वाले कारीगर के बारे में आपको पता है? भारत में ऐसे 200 मिलियन आर्टिसन है. इसमें से 80% आर्टिसन किसी न किसी एनजीओ और बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं. बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें से 70% आर्टिसन का मंथली इनकम 5,000 से कम है और उनको किसी भी तरह का आइडेंटिटी भी नहीं मिलता. एक कारीगर के लिए अच्छा इनकम और पहचान दोनों मायना रखता है. भारत में $600 बिलियन का हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है, पर एक कारीगर की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है. इसलिए 30% आर्टिसन ने अपना काम करना छोड़ दिया है और हर मिनट में 30 लोग गांव छोड़कर शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं. और अर्बनाइजेशन के क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो हम सब लोगों ने अच्छे से देखे हैं. गांव टूटते जा रहे हैं और शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं. इसका एकमात्र सॉल्यूशन हमें लग रहा है कि कारीगर को बिजनेस करना सिखाया जाए और लोकल एंटरप्रेन्योर बनाया जाए. पर जिस कारीगर की हम बात करते हैं उनके पास शिक्षा, रिसोर्सेस, बिजनेस स्किल, मैनेजमेंट स्किल का अभाव है, तो वो चाह कर भी अपना छोटा बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं. और इसलिए हमने कारीगर क्लिनिक स्टार्ट किया है. इसको चलाने वाले हम दो डॉक्टर्स हैं. पिछले 20 से अधिक सालों से हमने भारत प्रदेश के अलग अलग गांवों में कारीगरों के साथ काम किया है, कारीगर के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा है और इसके सॉल्यूशन के रूप में हमने कारीगर क्लिनिक स्टार्ट किया है. और ये हमारी जर्नी के दौरान हमारी मुलाकात पाबीबेन रबारी से हुई. ये गुजरात के नॉमेडिक रबारी कम्युनिटी के आर्टिसन हैं. उनको अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना था, बट कैसे शुरू करें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. वो कारीगर क्लिनिक के साथ जुड़ी. हमने उनके नाम से पाबीबेन.com ब्रांड बनाया और उनको सिखाया कि अपने गाँव से बिजनेस कैसे करना है. और डिजाइन इंटरवेंशन करके उनका एक बैग जो आज पाबी बैग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, हॉलीवुड और बॉलीवुड का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है आज ये बैग. हम और हमारे कारीगर डॉक्टर्स पाबी बैग जैसे और कारीगर का बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं. उनको बिजनेस कैसे शुरू करना है, कैसे स्केल अप करना है, कैसे चलाना है वो सिखाते हैं. हम डिजाइन इंटरवेंशन करके उनके प्रोडक्ट को और भी अच्छा मार्केटेबल कैसे बनाना है वो सिखाते हैं. उनकी स्टोरीज को हम नैरेट करते हैं और फंड जुटाते हैं और उनकी स्टोरी को, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाते हैं. कारीगर की दुकान का प्लेटफॉर्म हम कारीगर को सीधा मार्केट के साथ जोड़ते हैं. ये 0% कमीशन पर चलने वाला भारत का पहला मार्केट प्लेस है. लोकल गिफ्ट बॉक्स जैसे इनिशिएटिव से हम कारीगर के लिए डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रेंथन करते हैं. कोविड के समय में जब सारे कारीगर के बिजनेस बंद हो गए थे तो हमने 50 लाख से ऊपर का बिजनेस कारीगरों के लिए जनरेट किया था. तो हमारे ये सब प्रयासों से आज पाबीबेन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई हैं. महज 1500 रुपया कमाने वाली पाबीबेन आज 40 लाख का टर्नओवर कर रही हैं. उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है और बहुत सारी महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल बन गई है. पाबीबेन के अलावा हमने और भी आर्टिसन बिजनेसेस डेवलप किए हैं, जैसे कि राजीबेन, एक विडो महिला जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, वो कारीगर क्लिनिक के साथ जुड़ी और आज वो अपने गांव में
25 और विधवा महिलाओं को लाइवलीहुड देती है, मेंटली चैलेंज महिलाओं को लाइवलीहुड देती है और अपना इनकम 20 गुना ज्यादा बढ़ा पाई है। जब्बार भाई जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ दिया था और एक टाइल्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको हम उनके काम में वापस लाए और जब्बार भाई कारीगर क्लिनिक के साथ जुड़ने के बाद आज 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और 150 आर्टिसन को लाइवलीहुड देते हैं। ज्योत्सना बेन जो रोजगार के सिलसिले में शहर में माइग्रेट कर गई थी, कैलकुलेटर और बुक्स बेच रही थी, उनको हम समझा के अपने 400 साल पुराने क्राफ्ट में वापस लाए हैं और आज ज्योत्सना बेन 30 गुना ज्यादा इनकम कमा रही है और हमें खुशी हो रही है कि हमारे ये सब प्रयासों से आज रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। न सिर्फ फाइनेंस बट कारीगर को जो आइडेंटिटी वैल्यू रिकॉग्निशन चाहिए, उनको डिग्निटी चाहिए, वो हम उनको दे रहे हैं और अभी तक हमने 1000 से ज्यादा कारीगर को अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में वापस लाए हैं और 5000 आर्टिसन को हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। क्या होगा अगर भारत के हर गांव में पाबी बेन और राजी बेन होगी? तो मुझे लग रहा है कि भारत जैसे देश में हमें $1 बिलियन वाली कंपनी नहीं पर 1 मिलियन आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो लोकल इकोनॉमी को मजबूत करे और महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर ग्रामीण रूरल बिजनेस मॉडल तैयार करे, फेस टू फेस मार्केट कल्चर तैयार करे और इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटीज बनाए। कारीगर क्लिनिक का विजन भी है कि आने वाले समय में भारत में पाबी बेन जैसे 1000 ग्रामीण एंटरप्रेन्योर तैयार करना चाहते हैं और 1 लाख फैमिली के लाइवलीहुड क्रिएट करना चाहते हैं और आपके सहयोग से हमारा ये विजन परिपूर्ण हो सकता है। हमें आने वाले समय में 10 कारीगर एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने हैं, 1 कारीगर को बिजनेस डेवलप करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। साथ ही में हमें कारीगर डॉक्टर्स की हमारी टीम को और बढ़ाना है और आपके नेटवर्क कनेक्शन का भी हमें जरूरत है। तो आइए हम सब मिलके भारत की कला कारीगरी को आगे बढ़ाएं और ग्रामीण भारत में और भी पाबी बेन जब्बार भाई जैसे आर्टिसन डेवलप करें। धन्यवाद। डॉक्टर निलेश, लव्ड द नेम दैट यू हैव कारीगर क्लिनिक एंड लव्ड द विजन दैट यू हैव दैट आवर कंट्री नीड्स 1 मिलियन आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स। ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी।